स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्राम चौकीदारों के लिए बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। तो दोस्तों आप सभी को हम बता देते हैं कि इंतज़ार हुआ ख़त्म, सारे फैसले रात को, योगी जी का कहना है कि सारे फैसले यहां पर रात को लिए गए हैं। और इसमें क्या क्या कहा गया है संपूर्ण जानकारी आप सभी को हिंदी में दी जाएगी। आप सभी चौकीदारों के लिए सीएम योगी ने आप सभी के लिए दो शब्द बोले हैं, वो कौन से हैं मैं आप सभी को लाइव प्रूफ यहां पर दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों सीएम का यहां पर लाइव वीडियोस आप लोग देख सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे। लाइक का टारगेट मात्र यहाँ पर 200 है, जल्द से जल्द एक लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ये सुन सकते हैं आप लोग। चौकीदार की भूमिका रात्रि में ज्यादा होती है और इसलिए देश के चौकीदार के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे फैसले, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हो, रात्रि में ही किया। सारे फैसले रात को हैं क्योंकि दुश्मन को तो रात्रि में ही मारा जाता है। बहुत बढ़िया बात। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हमला किया गया, वो रात्रि में ही किया गया। रात्रि में ही लिया गया, रात्रि को 12 बजे, और नोटबंदी की कार्रवाई भी रात्रि में ही लिया गया। तो देश का चौकीदार अपने देश के प्रति और देश के 125 करोड़ लोगों के प्रति चौकन्ना है। क्या गांव का चौकीदार भी इसी चौकन्ना भाव के साथ कार्य करेगा? तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि चौकन्ने वाली बात कही गई है। सीएम योगी जी कह रहे हैं कि जो हमारे चौकीदार हैं वो गांव में क्या चौकन्ने हैं, रात्रि को सारे फैसले रात को लिए जाते हैं, इसलिए चौकीदार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन चौकीदारों की है जो गांव की सेवा पर लगे रहते हैं। इनका मानदेय भी लगातार यहाँ पर बढ़ता ही रहता है, उसलिए अगर कोई नया नोटिफिकेशन निकल के आता है या कोई नया लेटर जारी होता है यूपी के सीएम की तरफ से, मैं आप सभी को जरूर यहां पर बताऊंगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियोस को लाइक करना। लाइक का टारगेट मात्र 200 है। टेक्निकल भट्टी यूट्यूब चैनल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।